हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। सीएसएस के अंदर एक बहुत ही अच्छा और छोटा सा टॉपिक है आउटलाइन। आउटलाइन सिमिलर टू बॉर्डर होता है, लेकिन ये बॉर्डर के बाद आता है। जैसे हम लोग का सबसे पहले क्या होता था बॉक्स मॉडल में कि कंटेंट आता था, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग रहता था, पैडिंग के बाद बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद मार्जिन। लेकिन यहाँ पे मेरा जो आउटलाइन है वो बॉर्डर के बाद आता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आउटलाइन इन सी एस एस, और आउटलाइन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे मेरा जो कंटेंट रहता है, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे बॉर्डर आता है, और बॉर्डर के बाद मेरा आउटलाइन आता है। और इसमें भी आउटलाइन स्टाइल होता है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ भी होता है, आउटलाइन ऑफसेट और आउटलाइन। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राई टू इट आवर सेल्फ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आउटलाइन कलर दे दिया। तो चलिए हम लोग इसको वीएस कोड में करके देखते हैं, ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं, और इसका नाम देते हैं आउटलाइन डॉट एच टी एम एल, और अगेन यहाँ पे बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इसका टाइटल आउटलाइन, और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग के अंदर देते हैं दिस इज आउटलाइन इन सी एस एस। और इसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं, और डिव डिव टैग, और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 10 देते हैं। तो मेरा यहाँ पे 10 वर्ड का एक लॉरम क्रिएट हो गया, और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सिंपल यहाँ पे मेरा अभी पैराग्राफ और हेडिंग शो कर रहा है। तो हम लोग स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लेंगे, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे कलर ले लेते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ पे तो रेड कर देते हैं, रेड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम लोग इक्वल दे देते हैं, और यहाँ पे आउटलाइन आउटलाइन हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटलाइन 5 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे आउटलाइन का कोई कलर नहीं है, इसलिए कलर दिख नहीं रहा यहाँ पे। जैसे हम लोग इंस्पेक्ट में जाके देखें तो मेरा डिव, और डिव के अंदर में यहाँ पे ड्यू के अंदर में मेरा यहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे आउटलाइन के बाद इसका कलर दे दें, तो कलर देने के लिए हम लोग वीएस कोड में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं इसका सॉलिड, और इसका जो बॉर्डर का कलर देते हैं वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ग्रीन ग्रीन येलो, और इसको सेव कर देते हैं, और ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे एक कंटेंट शो कर रहा ड्यू टैग का, और उसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, और मेरा यहाँ पे ग्रीन भी शो कर रहा है। जो मेरा ग्रीन येलो था यहाँ पे आउटलाइन, वो भी शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं, और इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं हम यहाँ पे और इंस्पेक्ट ड्यू, और ड्यू के अंदर यहाँ पे मेरा पैडिंग पैडिंग तो यहाँ कुछ नहीं है, कंटेंट है मेरा यहाँ पे ब्लू कलर में, बॉर्डर भी यहाँ पे मेरा नहीं है, और ना ही मेरा यहाँ पे मार्जिन है। तो हम यहाँ पे आउटलाइन दिए हैं सॉलिड ग्रीन येलो, तो इसको ग्रीन येलो से हम लोग चेंज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ये ठीक दिख रहा थोड़ा, ये ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्वा को भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो मेरा कलर है इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो हेक्सा कलर है वो सारे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने ड्यू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी कलर, और यहाँ पे हम कलर में आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे सारी को कॉपी कर लेंगे।
लेकिन इसको हम यहाँ पे दिखेगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो एक हुआ है वो चेंज हो जाएगा। कंट्रोल भी, और यहाँ पे मेरा ये कलर भी चेंज हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो सेव हो गया मेरा यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट को हटा दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहते तो एक बॉर्डर भी दे देते हैं, ताकि मेरा पता चले कि बॉर्डर और आउटलाइन में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देते, बॉर्डर, और जो मेरा बॉर्डर रहेगा वो यहाँ पे 10 पिक्सल दे देते, ताकि समझ में आ जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉलिड, और इसका जो बॉर्डर का कलर देते वो यहाँ पे रेड दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट है, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग तो है नहीं, और पैडिंग के बाद यहाँ पे मेरा बॉर्डर है, और बॉर्डर के जस्ट बाद मेरा आउटलाइन है। और अगर हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं, बॉर्डर के बाद यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग सपोज हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा यहाँ पे पैडिंग भी आ गया। और पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे आउटलाइन है, और आउटलाइन से पहले हम लोग यहाँ पे पैडिंग के बाद मार्जिन देते हैं, ताकि हमें पता चले कि मार्जिन मेरा जो आउटलाइन है उसके पहले आ रहा है उसके बाद आ रहा है। तो मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल मार्जिन भी दे देते हैं, सेव। अब मार्जिन देखते हैं कि मार्जिन जो मेरा है वो बॉर्डर के बाद आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद मेरा मार्जिन आ रहा है। और इसको इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट में ड्यू, और ड्यू के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा कंटेंट है सबसे पहले, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग है, और पैडिंग के बाद मेरा यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद मार्जिन है, लेकिन मार्जिन से पहले मेरा यहाँ पे एक आउटलाइन दिख रहा है। आउटलाइन, आउटलाइन मेरा सिमिलर टू बॉर्डर होता है, लेकिन वो बॉर्डर के बाद आता है और मार्जिन से पहले आता है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर मार्जिन, और मार्जिन हम टॉप भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट दे सकते हैं। सेम यहाँ पे हम पैडिंग भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दे सकते हैं। तो चलिए, अब अभी तो हम जान गए कि मेरा आउटलाइन क्या है, और यहाँ पे आउटलाइन का कलर भी दे दिए हम, आउटलाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन का स्टार दे सकते हैं, आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल। तो हम लोग यहाँ पे अभी डैश देते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा जो आउटलाइन का यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है, वो मेरा यहाँ पे डैश फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप यहाँ से आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।